वेलकम। एक्सट्रीम गर्मी और धूप थी। चलो चलते हैं। जिस भी होटल में आपने बुकिंग किया वो यहाँ पे खड़े होते हैं और उनको फ़ोन कर दो और वो आपको यहाँ से लेके जाते हैं रिजॉर्ट। इस ट्रॉली में हम लोगों का सामान जा रहा है। हम लोग जाएंगे पैदल पैदल, 10 मिनट का वॉक है और यहाँ पीछे मैकडी से हम लोगों ने फ्राइज़ ले लिए है तो वो खाते खाते जाएंगे। धूप तो बहुत ज़्यादा है, भूख भी लगी थी तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ सब तक खाने के लिए ले लेते हैं और खाते खाते चलेंगे, रास्ता भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। इस आइलैंड में कोई भी गाड़ी नहीं है तो सब पैदल जा रहे हैं और बगल में ये देखो आप, इतना सुंदर है। तो धूप इतनी ज़्यादा है इसलिए ऐसे लग रहा है फटाफट होटल पहुँच जाए, पर शाम में तो बहुत ही अच्छी वाइब होगी, आप देख के समझ आ रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आ गए फीफी आइलैंड क्राबी से और आज सुबह हम लोग आ गए थे कुछ 12:30, चेक इन किया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, एक्सट्रीम गर्मी और धूप थी, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर जब थोड़ी सी शाम होगी तब निकलेंगे। अब 6:15 हो रहा है और मौसम अब थोड़ा अच्छा हो गया है, हल्की धूप है तो हम लोगों ने सोचा चलो अब बाहर चलते हैं। और आज प्लान है थोड़ा लेट नाइट आने का क्योंकि फीफी में नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। तो बस अब हम लोग रेडी हो गए, मेकअप तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ह्यूमिड से पूरा निकल जाएगा, तो इसलिए सिर्फ थोड़ा ब्लश लगा लिया है और लिपस्टिक लगा लिया है हल्की सी। आकर्ष भी रेडी हो गया है पूरा, ये भाई साहब भी पूरे रेडी हो गए, अब हम लोग निकल रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं कि फीफी में क्या क्या है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आगे हम लोग बाहर और हमारे होटल के बाहर निकलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा बीच है, बहुत ही सुंदर है। आप ये देखो यहाँ पे कुछ कैफे है और शाम हो रही थी तो निकलते ही फिर हम लोगों ने पहले थोड़े से फ़ोटो शूट करवा लिए और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं खाने क्योंकि अंधेरा हो जाता तो फिर फ़ोटो आती नहीं अच्छी और वो भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो और घूमने आओ तो फ़ोटो नहीं लो तो फिर मज़ा ही क्या है घूमने का, अब कुछ तो मेमोरीज होनी चाहिए ना। चलो चलते अब। कल हम लोग फुकेट जाने के लिए टिकट ले रहे हैं और ये ऐसे काउंटर्स बने होते हैं, छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे टिकट मिलती है। तो कल दो टाइम है, 9:30 की और 11 बजे की है फुकेट की, तो हम लोग 11 बजे वाली ले रहे हैं और बस उसके बाद यहाँ से टिकट हम लोगों ने ले के हम लोग सोच रहे हैं कि फ्री हो जाएंगे लेके, तो इनकेस अगर कल फुल हो जाता है तो हमारे पास टिकट्स ऑलरेडी रहेंगी। और 450 की टिकट है, मतलब 400-450-500 के बीच में ही टिकट्स आती हैं वैसे तो जितना हम लोगों ने पता किया है, तो अभी हम लोगों को 450 की मिल रही है और क्योंकि आगे हमने पता किया तो वहाँ पे 500 की है, 500 भाट, थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है, अगर कर दिया तो अच्छी बात है अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने की टिकट पड़ती है। ये फीफी के रोड्स हैं, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चलती है, सब पैदल चलना होता है। ये ट्रॉली चलती है लगेज उठाने के लिए। चल वाइब है पूरा पूरा फीफी ऐसा ही है, आप पैदल चलते रहो और फीफी घूमते रहो। आ गए हम लोग बर्गर किंग और यहाँ पे खाएंगे बर्गर फ्राइज, कुछ मील लेंगे और यहाँ पे इंडियन फूड के ऑप्शंस बहुत कम है फीफी में। आकर्ष गया हुआ है ऑर्डर करने के लिए और वो करके आता है, फिर खा के फिर हम लोग निकलते हैं। खा लिया है हम लोगों ने और अब निकल गए हैं, ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't
flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. निकल गए हम लोग फीफी से फुकेट के लिए, तो अभी पियर पे जा रहे हैं और हम लोगों का लगेज होटल का एक बंदा है वो लेके जा रहा है ट्रॉली पे, और हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है, 10-15 मिनट्स का वॉक है और आधा रास्ता भी कवर हो गया है। हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, फिर वहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ये है फीफी, ऐसा ही है। यहाँ पे अगर डाइविंग करनी है तो उसके लिए भी ऐसे ऑफिस बना हुआ है, शॉप है, मतलब आप वहाँ से जाके बुक कर सकते हैं।